दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रेडियम के रे कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 0.214 पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छी डिप के अंदर करंटली इस कॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है और एक अच्छे पोस्ट इस कॉइन के अंदर वापस से निकल के आई है। जो भी इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं उनके लिए बात करेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज ए ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नज़रें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 0.214 पर अभी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। कल एक बड़ा डंप हमने ओवरऑल मार्केट में देखा, इसकी प्राइस में भी देखा और 0.202 पर इसकी प्राइस देखने को मिली थी। कल से पहले इसकी प्राइस में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था जिसमें 0.25 तक हमने इसकी प्राइस को देखा था। डेली का चार्ट ओपन करें तो यहाँ पर अगर इसकी प्राइस को एनालिसिस करें तो एक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसकी प्राइस में देखने को मिलती है। पहले भी इस कॉइन में एक अच्छा मूवमेंट हुआ है और इसी लेवल से अच्छा मूवमेंट हुआ है। एक क्विक रिकवरी कॉइन है, हाई वॉलेटाइल कॉइन है, डीफाई प्रोटोकॉल कॉइन है और ये कॉइन आपको 20-30-40% का क्विक प्रॉफिट कभी भी देकर जा सकता है। अभी अगर बात करें तो कल जो मूवमेंट हुआ था जिसमें इस कॉइन ने यहाँ पर अगर बात करें तो 25 वाला इजी मूवमेंट लिया था जो कि ऑलमोस्ट 0.208 वाले लेवल से था। 208 तक प्राइस गई थी, वहाँ से मूवमेंट देखने को मिला जो कि 0.25 तक का था। फिर ये डंप है, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी प्राइस में 31 मई को ब्रेकआउट देखने को मिला था जो कि सेम 0.20 वाले लेवल से था, जिसमें कि इस कॉइन ने 0.27 वाला लेवल ट्राई किया था और अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। वहाँ पर इस कॉइन में 30-35% का मूवमेंट था। उससे पहले अगर बात करें तो ये जो लेवल है यहाँ पर इस कॉइन में 20 मई को ब्रेकआउट था, यहाँ पर 81 से लेकर के इस कॉइन ने यहाँ पर 2425 तक का ब्रेकआउट लिया था, 30-35% का यहाँ पर भी क्विक पंप देखने को मिला था और वापस प्राइस वहीं आ गई थी। प्रीवियस हिस्ट्री में हम देखें तो इस कॉइन में इस टाइप के ब्रेकआउट्स रेगुलर बेसिस पर 4-6 दिन, 2 दिन के डिस्टेंस पर, 3 डेज के डिस्टेंसेस पर हमने देखा है। और अभी अगर बात करें तो एक अच्छे लेवल पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर सपोर्ट एरिया की बात करें तो 0.192 वाला जो लेवल है एक अच्छा सपोर्ट एरिया है जिससे ऊपर अभी इसकी प्राइस मेंटेन है, यानी प्राइस वहाँ नहीं गई है। और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 0.23 वाला एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से अगर अभी ये ट्राई करता है तो नॉर्मल रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और डेली क्लोजिंग 2-3 से ऊपर होती है तो हो सकता है कि 2-3 वाला जो लेवल है अब इसके लिए सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट 0.28 वाला रेजिस्टेंस एरिया वो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। इससे पहले इस कॉइन ने 0.32 तक की रिकवरी की थी। यहाँ पर अगर बात करें 3-8 वाला लेवल एक बार ट्राई किया था, यहाँ पर 3-5 वाला लेवल ट्राई किया था। ये जनवरी मंथ की बात है जब इस कॉइन ने 0.13 वाले लो से 3-5 वाला लेवल ट्राई किया था। इस टाइप के ब्रेकआउट्स हमने पहले भी इसकी प्राइस में देखे हैं, अच्छे खासे मूवमेंट्स देखे हैं और वही प्राइस है 0.2022 वाले लेवल से ही हमने इसमें ब्रेकआउट्स देखे हैं। तो अब यहाँ पर हमें एंट्री मिस नहीं करना है। इस लेवल पर हमें बहुत टाइम बाद अपॉर्चुनिटी मिल रही है और यहाँ से हमें ये कॉइन क्विक प्रॉफिट देकर चला जाएगा। एंट्री की बात कर लेते हैं। 0.214 पर अभी कॉइन ट्रेड कर रहा है और इसी लेवल पर आपको एंट्री लेनी है। यहाँ से चांसेस है कि प्राइस में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और प्राइस नीचे जाने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए
कल जो हमने फंड देखी वो बिनांस यूएस की तरफ से एक फंड निकाल के आई थी। यूएस की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसकी तरफ से बिनांस यूएस को इन्वेस्टिगेट किया गया है और वहाँ पर कुछ एलिगेशन वगैरह लगाई गई है, कुछ थ्रेट वगैरह है, तो उसकी वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब यहाँ पर शाम के टाइम यूएस मार्केट ओपन होगी, क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। देखिए कल हमने इम्पैक्ट देख ही लिया था, बड़ा फॉल देखने को मिला BTC 2000 USD के अराउंड में BTC का फॉल देखने को मिला, 1500 अराउंड का फॉल देखने को मिला। अब यहाँ पर आज क्या देखने को मिलता है, यहाँ से रिकवर होता है कि और फॉल देखने को मिलता है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप हो चाहे तो शाम तक का वेट कर सकते हो, उसमें आपको 21 या 205 पर भी इसकी एंट्री मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि उसी लेवल पर मिल जाएगी, उस नीचे प्राइस आने के चांसेस है ही, हो सकता है कि यहाँ से मूव भी कर जाए कुछ ज़्यादा, क्योंकि बिनास जो है उस पर इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन जो है दूसरी कंट्रीज़ में भी चली है और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेट करना ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये ज़रूरी भी रहता है जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको ये काम करना रहता ताकि हम सिक्योर करें, ये हमारे लिए है, बाकी ऐसी कोई बहुत बड़ी या बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो आप चाहें तो वेट कर सकते हैं। अभी के लिए अगर बात करें 0.214 पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा, 214-213 के अराउंड में आपको एंट्री लेनी है। एंट्री आपको 70% पार्ट से लेनी है, जो भी अमाउंट आप इस कॉइन में लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से आपको एंट्री लेनी है। उसके बाद अगर शाम के टाइम ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, प्राइस वापस नीचे ड्रॉप करती है, तो सेकंड एंट्री आपको 0.20 पर लेनी है, जो रहेगी आपकी बाकी 30% पार्ट से, 70-30 के रेस में आपको एंट्री लेनी है। टारगेट्स की बात करें तो जो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से एंट्री लेंगे यानी कि क्विक प्रॉफिट अर्न करने परस्पेक्टिव से, उनके लिए इमीडिएट टारगेट रहेगा 0.26 वाला लेवल, जहां पर आपको अपना 60% पार्ट सेल करना है, 60% टोकन सेल करने, और 0.28 पर जो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव वाले उनके लिए टारगेट है 0.26 पर 60% और 0.28 पर बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है। शॉर्ट टर्म वाले जो हैं उनके लिए 0.30 वाला टारगेट रहेगा, जहां पर आपको शॉर्ट टर्म में 100% पार्ट 0.30 पर सेल करना है। जो भी मंथली बेसिस पर होल्ड करके 40-50% का टारगेट रखते हैं उनके लिए 0.30 वाला टारगेट रहेगा। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी आपको इस कॉइन में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, एक अच्छे डाउन ट्रेंड के अंदर आपको एंट्री मिल रही है तो एक अच्छा प्रॉफिट इसकी प्राइस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर है वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें ताकि आप क्रिप्टो लॉसेस से बच पाएँ, ओवर ट्रेडिंग को मैनेज कर पाएँ। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वन स्टॉप पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।